विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की सामान्य क्लास बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। पांचवी इकाई का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता में हमने बहुत सारे प्रकरणों के बारे में सब विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, तो पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत आपने सभी ने देखे होंगे। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है सृजनात्मकता की विशेषता। सृजनात्मक विशेषता के अंतर्गत हमने पूरे वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत हमने पांच बिंदुओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है हमारा कि सृजनात्मकता जो होती है वो जीवन के आरंभ से ही सृजनात्मकता का भाव होता है। मतलब जीवन के आरंभ से ही सृजनात्मकता का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव मतलब जीवन जब प्रारंभ होता है, मतलब हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में सोचने संबंधी की शक्ति का विकास करते हैं। तो जीवन के आरंभ से ही सृजनात्मकता का विकास होता है। इसका विकास मानसिक, सामाजिक, पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम हर क्रिया के बढ़ते हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, उस समाज के आसपास का वातावरण, पर्यावरण के बारे में हमारे सोचने समझने की क्षमता है वो तीव्र गति से होती है। हमें कौन बुला रहा है, हमारा आसपास का वातावरण किस प्रकार से है, हम उसको सोचने समझने की क्रिया को हमारे जीवन के आरंभ से ही सीखते हैं। अभी जीवन जब प्रारंभ होता है हमारा, तब से हमारे अंदर विचार करने की शक्ति का विकास हो जाता है। अगला है हमारा सातवां पॉइंट कि सृजनात्मक संबंधी योग्यता का मतलब विकास अन्य योग्यताओं से भी होता है। मतलब हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में हमारा जो पूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान में हमारा ज्ञान जो हम वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, हम जिस किसी समस्या के बारे में जान रहे हैं या समसामयिक घटनाओं के बारे में सब विस्तार से जान रहे हैं, उस क्रिया को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में किस प्रकार से हम ऐड करते हैं और ऐड करने के आधार पर हम अपने विचारों को विद्यार्थियों के समक्ष किस प्रकार से रखते हैं, उसका विकास करने की योग्यता हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग पाई जाती है। और इसकी विकास की गति, मतलब इसकी सृजनात्मक विकास की गति होती है वो एक समान है, एक जैसी नहीं रहती है। वो आती है कि सृजनात्मकता की विकास की गति एक सी नहीं रहती है। सृजनात्मकता की विकास की गति वो एक सी नहीं रहती है। हर व्यक्ति के अंदर सृजनात्मक चिंतन करने की विचार करने की शक्ति है हर व्यक्ति में अलग अलग पाती है। क्योंकि हमारे सामने हम एक अध्यापक के समक्ष विद्यार्थी बैठते हैं तो विद्यार्थी वहाँ कई प्रकार के होते हैं। तीव्र बुद्धि का भी होता है, मेगाई बुद्धि का भी होता है, सामान्य बुद्धि का भी होता है, मठ बुद्धि का भी होता है और जड़ बुद्धि का भी होता है। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हर प्रकार की मानसिक शक्ति का विकास अपने शारीरिक क्षमताओं के अनुसार करता है। अगर तीव्र यानी मेगन छात्र जो होता है उसको एक बार जो हम समझाते हैं उस क्रिया को वो जल्दी समझ जाता है। सामान्य व्यक्ति हम सब आ जाते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो सभी को समझ में आता है, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाने के बाद भी वो अपने दिमाग पर बिल्कुल नहीं लेते। वो सोचते नहीं है कि सर ने क्या पढ़ा, जो है जो है। तो हम किसी क्रिया के बारे में जो हम करते हैं, सृजनात्मक जो विकास गति होती है वो सब व्यक्तियों के अंदर एक समान नहीं रहती, सब में अलग अलग पाई जाती है। तो ये सातों पॉइंट है। आठवां पॉइंट जो होता है वो सृजनात्मकता को मापा जा सकता है। और सर आठवां जो है वह है सृजनात्मकता को मापा जा सकता है। सृजनात्मकता को मापा
जा सकते हैं, मापा सकते हैं, मापा जा सकता नहीं माप सकते हैं। तो इसका होता है सृजनात्मक तो माप सकते, किंतु इसकी विकास इसकी मतलब इसको हम सृजनात्मकता है वो परीक्षा के द्वारा हम सृजनात्मकता मापन करते हैं। मतलब हर व्यक्ति का अध्यापक जो पढ़ाता है, जो अपने शिक्षण कार्य को विद्यार्थी के समक्ष समझाता है और समझाने के उपरांत वह एक विद्यार्थियों को पढ़ाएगी यानी मेरे द्वारा पढ़ाएगी शिक्षण कार्य को उन्होंने कहाँ तक प्राप्त किया, तो मुझे एक अपना एक टेस्ट नहीं हर विद्यार्थी का एक आईक्यू टेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब मुझे एक बुद्धि लब्धि के द्वारा एक परीक्षण लेना पड़ेगा, एक प्रश्न पत्र तैयार करने पड़ेंगे, वो प्रश्न पत्र सभी के लिए एक समान होगा। मतलब उस समान होने के बाद में आप उस प्रश्न पत्र को कहाँ तक समझते हैं, उस प्रश्न पत्र के प्रति आप कहाँ तक प्रति उत्तर देते हैं, उस क्रिया को जब अध्यापक द्वारा जांच किया जाता है तो उसको मापा जा सकता है। बिना परीक्षण के द्वारा हम किसी भी क्रिया यानी मानसिक शक्ति को माप नहीं सकते हैं। सृजनात्मकता मापा मतलब होता है हम हर व्यक्ति की मानसिक शक्ति को माप सकते हैं। वो कैसे माप सकते हैं, वो परीक्षण के द्वारा हम किसी छोटे से टेस्ट के माध्यम से, हम छोटे से एक एग्जाम के द्वारा या छोटे से एक आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा हम उस विद्यार्थी का बुद्धि लब्धि संबंधित सृजनात्मकता चिंतन तर्क वितर्क की बातों को हम माप सकते हैं। अगला पॉइंट जो है नफा है वो है हमारा वो पॉइंट है कि सृजनात्मकता के द्वारा विकास के जो पहलू होते हैं वो सभी के अंदर अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति के अंतर्गत ये विकास की संभावना जो होती है वो तीव्रता की होती है। उन्हें मेघावी छात्र होता है उसमें सृजनात्मक जो शक्ति होती है वो तीव्र होती है, सामान्य व्यक्ति में सामान्य होती है और दृढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति में बिल्कुल धीमी गति से पाई जाती है। दसों पॉइंट अगर हम पढ़े तो दसों पॉइंट बताएंगे हम कि सृजनशील व्यक्ति में प्रवाहित होने वाले विचार जो होते हैं वो हमें साफ दिखाई देते हैं। सृजनशील मतलब जिस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जो व्यक्ति हमारे सामने जो काम कर रहा है, जो क्रिया कार्य कर रहा है, वो कार्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है हम उस व्यक्ति के कार्य को देखकर हम सीखते हैं कि ये क्रिया हुई कैसे। तो हम कभी कभी क्या करते हैं हम किसी व्यक्ति के द्वारा निकल के सीखने की क्रिया को समझते हैं। अगला जो पॉइंट है 11वां पॉइंट है वह है कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया या योग्यता उत्पन्न नहीं होती, हमें उस क्रिया के प्रति अर्जित ज्ञान प्राप्त करना, हमें स्वयं को वो क्रिया करनी पड़ती है कि ये क्या हुआ कैसे, हम ये बात हुई कैसे, उस बात के प्रति हम विचार करते हैं या किसी भी समस्या को समझते हैं कि हम कभी कभी बैठते हैं हमारे घर परिवार में बैठते हैं तो किसी बात के प्रति समस्या जो होती है उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। तो कभी कभी बूढ़े व्यक्ति भी जो होते हैं हमारे से बड़े एज में होते हैं वो व्यक्ति भी उस कभी कभी उन समस्या के प्रति गलत निर्णय भी देते हैं और कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो हमारे से छोटे होते हैं उस बात के प्रति सही निर्णय भी देते हैं। तो हमें सब व्यक्तियों की बातों का सुनना चाहिए और स्वयं का डिसीजन लेना चाहिए, निश्चय सेल्फ रेस्ट्रक्ट करना चाहिए हमें क्या निर्णय करना चाहिए। अगला प्रश्न होता है कि वो 12वां पॉइंट है कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य की प्राप्ति तक होती है, हमें हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम जो हमारी जीवन जो खपा रहे हैं वो किसके लिए, हम अपने लक्ष्य के प्रति। जैसे मैं अभी अब पढ़ रहा हूँ, बीएड कर रहा है, जो भी किया हमने, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसके जो हमने जीवन भर आजीवन तक जिस क्रिया के प्रति सोचने समझने की बुद्धि का हमने प्रयोग किए हैं वो है हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए हमें हर प्रकार के विचारों का उस तर्क वितर्क के बारे में समझना चाहिए। सृजनात्मक चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, वो लाभदायक होनी चाहिए जीवन के हर प्रत्येक के लिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमूर्त नहीं मौतिक अमूर्त रूप से वो महत्वपूर्ण है। कैसे, लिखित भी हो या मौखिक हो, सृजनात्मक चिंतन जो होता है वो सही होता है। मूर्त हो या अमूर्त मतलब जो क्रिया हमारे सामने हो रही है वो सत्य है, जिस क्रिया के बारे में हम जानते नहीं है और उस क्रिया के बारे में सोचते समझने क्रिया को विकसित करते हैं वो अमूर्त होता है। परिकल्पना तो नहीं, उस परिकल्पना कल्पनाओं के आधार पर हम किसी बात का
नए विकास के तौर पर उसमें हम संचार करते हैं, हम नई बातों को करते हैं। और सृजनात्मक जो प्रकार होते हैं, ये निश्चित करना, कल्पना करना होता है, जिसे किसी न किसी उपलब्धि को इंद्रिय प्राप्त किया जाता है, मतलब किसी न किसी बात का उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हमने सृजनात्मक विशेषता की जो विशेषता है वो सब विस्तार पूर्वक हमने 10-12 पॉइंटों के माध्यम से समझा दी है। आज के लिए इतना ही। हम और इसके बारे में व्यक्तिगत विशेषता, हम सृजनात्मक ये तो सामान्य विशेषता पढ़ी है, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो व्यक्तिगत विशेषता पढ़ेंगे। हर व्यक्ति के अंदर किस किस प्रकार के सजन चिंतन करने की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में सब विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।